जी जनाब, ढूंढ लिया मैंने। ये ऐसे लग रहा है बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जबरदस्त। दोस्तों खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया, लेकिन बिल बड़ा ज़्यादा आया। 80 दरम, कैन यू इमेजिन। मतलब भाई मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल माह। इससे पहले मैं मलेशिया में था। अच्छा, मलेशिया में तो मुसलमान करती है मगर नहीं पूछे कि क्या हालात है। अच्छा माँ, इतना नहीं है। आपके परमिट होने के बाद भी, लीगल होने के, सब कुछ होने के बाद भी वो इमिग्रेशन रेड मारती है, वो आपको ले आके बंद कर देती है। 3-4 दिन के बाद फिर आपकी चेक होगा, सब कुछ होगा, फिर वो आपको रिलीज करेगी। मतलब कोई वो नहीं है, जलालत वाला सीन है। जापानी कौम ऐसी है, ना हम इनको जानते हैं ना आप इन्हें जानते हैं। आप इनसे किसी का एड्रेस पूछ लें, कहीं जाने का पूछ लें, उसके पास टाइम होगा तो वो आपको अपने साथ ले जाएगा। जी जनाब, ढूंढ लिया मैंने। ये ऐसे लग रहा है बहुत खुशी हो रही है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जबरदस्त, कमाल है भाई। चलो जी, वट एवर इट इज, जिन्ने का भी है खाना, बिरयानी है, कबाब है, हलीम है। ओए भाई खिला दे, भाई खिला दे। चलो चलते हैं, ये है किस तरफ, देखते हैं इसका गेट का मेरे ख्याल अंदर है। अरे एक और इंडियन भाई थे, वो भी ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बोला वो बड़े खुश हुए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट देख के। तो अभी देखते हैं किस तरफ है। हाँ ये है भाई, नुक्कर में बना हुआ है भाई, बना तो बड़ा कोने कुदरे में है, लेकिन अली किचन है भाई। चलते हैं खाना खाते हैं। जी भाई जान, ये देख लो मेन्यू, मेन्यू देख के खुशी हो रही है। अच्छा अरबी लोग भी आए हैं, काफ़ी अरबी लोग भी खाना खाते हैं इधर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे। मलाई टिक्का, फिश टिक्का, भाई जो कुछ है ला दो यार, आज तो ला दो भाई। प्राइसेस को अब मैं नहीं देख रहा इस टाइम। बट मसाला भाई, नंबर 2 सेलिंग करी डिश, 12 आवर कुक विद वेरी सॉफ्ट एंड डिलीशियस, मस्ट ट्राई, जबरदस्त। बट साहब का अलग है रेस्टोरेंट, मीन करी दें, वेज है, सी फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक, लस्सी भी है। बहर खाना मंगवाएंगे, नान भी है भाई। नान कितने का है? 400 का। बटर नान 500 का, मतलब 15 दरम का नान है। कोई बात नहीं भाई, प्रदेश में तो अब क्या करें, खाना पड़ेगा। जापान है ऊपर से। बिरयानी कितने की है भाई? कप्सा बिरयानी 1800, बिरयानी चिकन वेज 1500। चलो आप लोगों ने देख लिया होगा मेन्यू, मैं ऑर्डर करता हूँ और खाना खाते हैं। दोस्तों खाना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया, लेकिन बिल बड़ा ज़्यादा आया। 80 दरम, कैन यू इमेजिन, 80 दरम का बिल आया, बहुत महंगा था। मैंने शायद एक चीज़ ज़्यादा मंगवा ली थी, और वो नहीं तो फिर नॉर्मल होना था। फिर भी जापान है ना यार, महंगा ही, ऑफकोर्स महंगा है। ट्रिप एडवाइज़र पे ये रेस्टोरेंट नंबर 1 पे है, अगर आप जापान को देखो, लेकिन अच्छा है। बाकी भूख लगी हुई थी यार, आज खा लिया खाना, चलते हैं फिर, अब निकलते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे खान भाई मिल गए, जी बेस्ट कुक हैं जी। इन्होंने क्या खाना खिलाया, मज़ा आ गया। पहले तो सर आउटस्टैंडिंग खाना, बहुत मज़ा आया, इट्स टेस्टी। और दूसरा इनका अपना टिकटॉक का चैनल भी है भाई, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डाल देता हूँ, खान जी का। खान जी अभी बेसिकली काम में है, तो ऑफ कोर्स यार उनको हम डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उनसे कुछ एक दो चीज़ें हैं जो पूछते हैं। और बताएं खान जी, क्या कहते हैं, यहाँ बेटर है, आपको क्या लग रहा है?
भाई मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल वाह। इससे पहले मैं मलेशिया में था। अच्छा, मलेशिया में तो मुसलमान कंट्री है मगर नहीं पूछे कि क्या हालात है। अच्छा, वहाँ इतना नहीं है। आपके परमिट होने के बाद भी, इलीगल होने के सब कुछ होने के बाद भी वो इमिग्रेशन रेड मारती है, वो आपको ले आके बंद कर देती है। तीन चार दिन के बाद फिर आपकी चेक होगा, सब कुछ होगा, फिर वो आपको रिलीज करेगी। मतलब कोई वो नहीं है, जलालत वाला सीन है। इवन मैं दुबई में रह रहा हूँ 18 साल से 16 साल 17 साल, मतलब प्रॉपर है ना वहाँ पे। लेकिन मलेशिया मैंने सुना था, लेकिन इतने इसीलिए पाकिस्तानी नहीं है वहाँ पे। भाई जापानी कौम ऐसी है, ना हम इनको जानते हैं ना आप इन्हें जानते हैं। आप इनसे किसी का एड्रेस पूछ लें, कहीं जाने का पूछ लें, उसके पास टाइम होगा तो वो आपको अपने साथ ले जाएगा। भाई मेरे साथ आप यकीन करें, मैं बात काट रहा हूँ, ये मैं वीडियो जरूर इस पे अपने व्लॉग में डालूंगा। मैंने जिस जापानी से रास्ता पूछा वो काम छोड़ के उसने मुझे काम करवाया। और आपको पता है उस दिन मुझे टिकट स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं अंदर जा रहा था बाहर आ रहा था, वो लड़का वापस आया, वो रंग बिरंगे बालों वाला था, वापस आया मुझे कहता है ये तेरा ट्रेन स्टेशन है, इस पे जा। मतलब ये लवली पीपल भाई, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी देते हैं कि बंदा ना करते हुए भी उनकी इज्जत करने लगा। अच्छा, आपसे छोटी सी चीज पूछूंगा बस, खान भाई ये बताएं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आने वाले हैं, लो जी ये जापान में हमारे लोग ज्यादा भाग भाग के अमेरिका कनाडा भागते हैं, इधर उधर डंकियां मारते हैं, वो जापान साउथ कोरिया। भाई जापान में ऐसा है, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ना कोई एजेंट का चक्कर है यहाँ पे। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, एजेंट के थ्रू कुछ भी नहीं, मतलब सीधे यहाँ पे आ जाओ, सीधे अपने पेपर आप क्लियर करें, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की वो आप, मतलब यहाँ जॉब जैसे नेपालियों को मैंने देखा बहुत जॉब कर रहे हैं, पूरी फ्लाइट खटमंडू से आई है जापान। जॉब तो है, जो नेपाली जो है ज्यादातर ये लोग रेस्टोरेंट के लाइन में, हाँ रेस्टोरेंट में बहुत है, रेस्टोरेंट की लाइन में भाईजान भरे हुए थे पूरा। मैं क्योंकि नेपाल से फ्लाइट ली मैंने, पूरा प्लेन जापान का था, तो मतलब मैंने देखा है इंडियन भी कम है यहाँ पे, उतने नहीं है, और पाकिस्तानी भी कम है। तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वही है, ज्यादातर वो बिजनेस अपना कारोबार करते हैं, कार्स का, गाड़ियों का, इन चीजों का, स्पेयर पार्ट्स। हम जो है इस लाइन में पड़े हैं, तो हम तो लाजमी बात है इस फील्ड में है, इस फील्ड में है, उसका पता ही नहीं है अलिफ से बे, जो हमें तो इस चीज का मालूम है। लेकिन आप ये कह रहे हैं यहाँ पे आसान है, मतलब सेट होना, मतलब यहाँ पे आओ और प्रॉपर चैनल आओ। मेरी फैमिली यही थी, मैंने अभी उनको भेजा है। अच्छा अच्छा, बच्चों की पैदाइश नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस पे ये है कि गवर्नमेंट आपको फी बच्चे पे वजीफा भी देती है ना यहाँ पे। हाँ, यानी कि उसके महीने के मंथली आते हैं, यानी कि 30,000 नहीं यार, एक बच्चे माशाल्लाह। और क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर चैनल आए ना हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि मैं जो हूँ जब से यहाँ पे आया हूँ इनकी पूरी रिक्वायरमेंट टैक्स पूरे पे कर रहा हूँ। अच्छा, एवरीथिंग व्हाइट होना चाहिए, आप आओ व्हाइट रहो, हम दुबई में भी तो रहते हैं ना व्हाइट, वहाँ डंडे से रहते हैं ना, तो यहाँ वहाँ डंडे की जगह यहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, और वो चीजें भी ज्यादा है। दोस्तों भाई का मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया जी खान जी की, क्या बॉडी है, मैंने फोटो देख के शौक हो गया हूँ, मैंने भी वापस बनानी है ऐसी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं खान जी से दोबारा जब जापान आएंगे, और टिकटॉक पे हैंगे, और आप लोग खान साहब को अब ज्यादा तंग ना करना, क्योंकि मैं इनका लिंक नीचे डाल दूंगा, तो बाकी अब सवाल जो आप ज्यादा करने तो खान जी से खुद भी कर सकते हैं जी। ओ, खाना वाना खा लिया मैंने यार, यहाँ पे 9 बजे शॉप्स बंद हो जाती हैं, 9 o'clock, तो दोथन पूरी खुला रहता है, बट इस तरह के जो सूक्स हैं मार्केट्स हैं वो 9 बजे बंद। मैंने डेसो जाना है भाई, डेसो चेक करो कितना बड़ा है यहाँ पे, और वो भी लगता बंद हो रहा है, 9 से 9 बजे तक क्लोज हो गया, आई थिंक बंद हो गया, कल आऊँगा देखो, 9 बजे बंद होता है, सस्ती चीज़ें आपको डेसो से मिल सकती हैं। जी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ना मार्केट बनी हुई है ऐसे अंडर लंबी लंबी, मतलब ऐसे लंबे लंबे पैसेज हैं, वो देखें रोड के दूसरी तरफ भी, और ये कुछ 5 किलोमीटर लंबी है ऐसे ही, इसको कहते हैं शिन साइबाशी सीजी, वो देखो पूरी मार्केट है ये। देख रहे अंदर वैसे लंबा पैसेज है,
चले चलते हैं रोड क्रॉस करके जब ही खुलेगी तो। दो तन पूरी यार यहाँ पे कैप्सूल टॉय शॉप पे रश चेक करो बच्चों का लड़कों का बड़ी टॉय शॉप जापानी किड्स आर टू इनटू गेम्स एंड ऑल शॉपिंग भी कर सकते हो आप टॉय शॉप ये है क्या अंदर अच्छा छोटे छोटे टॉयज हैं ये लोग आज भी लेते हैं भाई ज़बरदस्त वीडियो गेम्स बहुत खेलते हैं मेरी टोक्यो वाली सीरीज़ जो चल रही थी वीडियोस वो वाली वीडियोस में होगा मैंने पूरा एक वीडियो गेम सेंटर दिखाया दोस्तों यहाँ ओसाका के ट्रिप को करते हैं ख़त्म ओसाका में दो दिन गुजारे मैंने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ट्राई की है कि आप लोगों तक शेयर करूँ आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो प्रॉपर वीडियो तो रहेगी मेरी जो होती है एक बाद में बनाऊँगा मैं प्रोज एंड कॉन्स स्कैम्स एक्सपेंसिव एंड ऑल लेकिन ये डे बाई डे का व्लॉग जो है मैंने ट्राई किया यार आपको सारी चीज़ें बता दूँ जो भी ओसाका के बारे में है ओसाका टोक्यो की तरह नहीं है टोक्यो इज़ बेस्ट नाइट लाइफ टोक्यो घूमना फिरना हर चीज़ कमाल है ओसाका दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे क्योटो क्योटो स्मॉल टाउन है शहर बड़ा होगा लेकिन ज़्यादा घूमने वाला और नाइट लाइफ वाला सीन नहीं है यहाँ पे भी है लेकिन उस तरह नहीं है हाँ अगर आप नाइट लाइफ जापान में थाईलैंड की तरह सोच के आ रहे हैं तो वैसा नहीं है मलेशिया में भी थोड़ी बहुत स्पॉट है बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इसलिए वो सोच के आए और दूसरा मौसम को देख के कि मौसम कौन सा बेटर है एंड कल निकलेंगे यार टोक्यो टोक्यो से फिर एक और जगह मेरी फ़्लाइट है एक और कंट्री हम जा रहे हैं अभी घर नहीं जा रहा है इंशाल्लाह एक और जगह जाना है और वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कहाँ जाने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको दिख जाएगा जो ये जापान की सीरीज़ के बाद जो सीरीज़ शुरू होगी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ सो इंशाल्लाह अल्लाह करे सारा ट्रिप ये खैर सी निकले इंशाल्लाह और मैं ऐसे ही वीडियोज़ और बनाता रहूँ और आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ सो अभी ओसाका से चलते हैं वापस एंड कल सुबह निकलना भी है टोक्यो के लिए रात को यहाँ पर 11 बजे के बाद बिल्कुल उजड़ उजड़ हो जाता भाई खाली तो 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं तो अभी चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखें दुआओं में याद रखें और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कर दो यार बहुत लोग वीडियो देखते हैं मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब क्यों नहीं कर दो यार कर दो बड़ी मेहनत होती है वीडियो सब्सक्राइब कर दो चलो मिलते हैं ओसाका देख लीजिए आप दोतनपुरी के एरिया ये वन ऑफ द फेमस प्लेस है इधर बहुत सारे टूरिस्ट चलो दोस्तों चलते हैं